अब देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद हुई बवाल और पत्थरबाजी में गिरफ्तारी का दौर जारी है। पूरे प्रदेश में अब तक 139 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वीडियो से पहचान करके पुलिस आरोपियों को लगातार अरेस्ट कर रही है। हिंसा और उपद्रव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर दिखाए। हाई लेवल की बैठक बुलाई जिसमें प्रयागराज सहारनपुर समेत अलग अलग जिलों के स्टेटस रिपोर्ट को लेकर बात की। सीएम की बैठक में डीजीपी एसीएस एडीजी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एसीएस होम अमनीश अवस्थी कार्यवाहक डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जैसे अधिकारी पुलिस मुख्यालय से स्थिति पर नजर रख रहे हैं। प्रयागराज में जुमे के बाद हुई बवाल और पत्थरबाजी करने वाले 40 आरोपी अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 36 नामजद और 1000 अज्ञात के खिलाफ करेली और खुल्दाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। कल जुमे के बाद अटाला इलाके में सैकड़ों लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। प्रयागराज में हुई बवाल पर पुलिस का बयान, हिंसा के पीछे एमआईएम और समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता शामिल। छोटे बच्चों का गोरिल्ला बॉल की तरह इस्तेमाल किया गया। यूपी के उन्नाव के एक युवक समीर ने सऊदी अरब में रहकर भारत बंद होने का ट्वीट किया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने ट्वीट पर तत्काल एक्शन लेते हुए युवक के परिजनों को हिरासत में लिया और समीर के परिजनों से घंटों पूछताछ की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद 13 जून तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हावड़ा में कई इलाकों में धारा 144 लागू है। हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के ऑफिस में आग लगाई और तोड़फोड़ की। झारखंड के रांची में जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन में एक की मौत, दर्जन भर घायल। कुछ जगहों पर धारा 144 लगाई गई। वहीं हिंसा के बाद से आज सुबह 6 बजे तक रांची में इंटरनेट पर रोक लगाई गई। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी कल जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ। पुलिस के मुताबिक करीब 1500 की भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन की तैयारी में। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ एमआईएम कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नवी मुंबई में भी कल जुमे की नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। अहमदनगर, माचुंगा और औरंगाबाद में भी जमकर प्रदर्शन किया गया और नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की मांग की। बिहार के कई जिलों में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ बवाल हुआ है। नवादा से लेकर आरा और भोजपुर तक मुस्लिम समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर जम्मू कश्मीर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। गंभीरता को देखते हुए श्रीनगर के साथ ही डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। वहीं राजौरी में मुस्लिम संगठनों ने राजौरी बंद का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के औरंगाबाद में एक बीजेपी नेता की जमकर लात घूसों से पिटाई हो गई। बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मध्य प्रदेश के उमरिया में चोरी के शक में एक युवक की पीट पीट कर हत्या मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिस चोरी के लिए यह हत्या की गई वो बहुत ही मामूली चोरी थी। मध्य प्रदेश के बैतूल में पैसों के लेन देन के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी शव को कार में लेकर एक निजी हॉस्पिटल के बाहर स्ट्रेचर पर लिटाकर फरार हो गए। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक महिला की दिलेरी का वीडियो सामने आया। महिला ने दो मंचलों की चप्पल से जमकर पिटाई कर दी। जम्मू के अखनूर गांव में भीषण आग लगने के बाद स्थानीय लोगों में खौफ पसर गया है। डर है कि कहीं ये आग उनके घरों तक न पहुंच जाए। लेह के योकमा इलाके के जंगलों में भीषण आग ने कहर बरपाया है। आरोप है कि स्थानीय लोगों की लापरवाही की वजह से आग लगी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर इलाके में जंगल में लगी आग का कहर जारी है। यह आग उधमपुर जिले के चेनानी इलाके के जंगल में लगी है। उत्तराखंड में टिहरी जिला मुख्यालय और आसपास के इलाके के जंगलों में लगी आग बढ़ती जा रही है। आग लगने से चारों तरफ धुआं छाया हुआ है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। निर्जला एकादशी के मौके पर उदयपुर के आसमान में दिखा अनोखा नजारा। अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज अब्दुल कादिर ने फतेह सागर झील के किनारे एक डोर पर 1000 पतंगें उड़ाई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अनोखा नजारा दिखा। भालू से अपनी जान बचाकर भागता दिखा बाघ। सैलानियों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया वीडियो। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एंटी करप्शन की टीम ने एक दारोगा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया।
राजस्थान के टोंक में चलती बुलेरो अचानक आग का गोला बन गई। यह हादसा जयपुर कोटा हाईवे पर हुआ। मूसेवाला मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 शूटर्स की पहचान होने का दावा किया। एनटी अवार्ड्स यानी न्यूज टेलीविजन अवार्ड्स में न्यूज 18 इंडिया का डंका बजा है। किशोर अजवानी को बेस्ट न्यूज प्रेजेंटर हिंदी का अवार्ड मिला। एनटी अवार्ड्स में न्यूज 18 इंडिया के शो सौबात की एक बात को 2 अवार्ड मिले। बेस्ट डेली न्यूज बुलेटिन और बेस्ट प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन का अवार्ड मिला। एनटी अवार्ड्स में न्यूज 18 इंडिया को कुल 22 अवार्ड मिले हैं। अरुण सिंह और प्रियंका कांडपाल को बेस्ट इन्वेस्टिगेशन का अवार्ड मिला। महाराष्ट्र में देर रात राज्यसभा चुनाव के लिए मतगणना हुई, जिसमें बीजेपी के 3 और महाविकास अघाड़ी के 3 प्रत्याशियों की जीत हुई है। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से कांग्रेस के 3 और बीजेपी को 1 उम्मीदवार को जीत मिली है। वहीं कर्नाटक से निर्मला सीतारामन समेत बीजेपी के 3 उम्मीदवार और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार राज्यसभा पहुंचे। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली राजस्थान की बीजेपी एमएलए शोभा रानी कुशवाहा को बीजेपी ने प्राथमिक मेंबरशिप से निलंबित कर दिया है। बीते 7 महीने में शिरडी साईं मंदिर में 188 करोड़ रुपए का दान दिया गया। 5 महीने में 41 लाख श्रद्धालुओं ने साईं समाधि के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। बारामूला से लश्कर के 2 आतंकी और बड़गाम से 1 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार किया गया। पंजाब के मोहाली में दिन दहाड़े करोड़ों की लूटपाट हुई। घटना के बाद इलाके में दहशत, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बरेली में शख्स पर शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। ललितपुर में वन क्षेत्र में अवैध खनन जारी है। नाराहाट के रिचपुरा इलाके में जेसीबी से खुलेआम खनन हो रहा है। हरदोई पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर फायरिंग, महिला की मौत, पुलिसकर्मी ने भी खुद को गोली मारी। पंजाब के परिवहन मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जी गाड़ी की छत पर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में कल शाम से ही बोरवेल के गड्ढे में गिरे बच्चे को निकालने की कोशिश जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिशन में जुटी है। पुणे में बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उतर आया, कई इलाकों में जलजमाव हो गया। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड शुरू हो गई। आज देश की सेना को 288 युवा अफसर मिलेंगे। 8 मित्र देशों के 89 कैंडिडेट्स भी पास आउट हो रहे हैं। बिहार के हाजीपुर में डीजे पर डांस के समय युवक ने हवाई फायरिंग की, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। बिहार के सहरसा में नया बन रहा पुल तेज हवा के झोंके से गिर गया। हादसे में 3 मजदूर जख्मी हो गए। बिहार के मुंगेर में जमीन विवाद में 2 गुटों में मारपीट हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। असम के बारपेटा के बागमरा गांव में नदी पर बंद पुल नहीं होने से बच्चों को पानी में से होकर स्कूल जाना पड़ता है। महाराष्ट्र में अमरावती के कई गांव पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। खड़ीमल गांव में सूखे कुएं में टैंकर से भरा जा रहा है पानी। खतरे पर खेलकर कुएं से खींच रहे हैं गंदा पानी। बिहार में जल्द ही मॉनसून दस्तक देने वाला है। सीमांचल इलाके में प्री मॉनसून की बारिश शुरू हो चुकी है। संभावना है कि पूर्णिया के रास्ते मॉनसून बिहार में दस्तक देगा। यूक्रेन के मारियुपोल में कब्रिस्तान का वीडियो जारी किया गया। फ्रांस के पत्रकार ने यह वीडियो जारी किया है। इस कब्रिस्तान में रूस के हमले में मारे गए नागरिकों को दफन किया गया है।